इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/4 कप उड़द दाल को ड्राई रोस्ट करके रेडी कर लेंगे। मैंने 1/4 कप लिया हुआ है, यहाँ कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, तो चलिए हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। उड़द दाल डालने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर इसे भूनकर रेडी करना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक रोस्ट करने के बाद अब ये अच्छी तरीके से भून चुका है, तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे कढ़ाई में ही ठंडा होने देते हैं। जब तक उड़द दाल ठंडा हो रहा है तब तक हम 200 ग्राम उबले हुए आलू को ग्रेट करके रेडी कर लेते हैं। मैंने इसे उबालकर छील लिया हुआ है, अब यह अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो चलिए हम एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेते हैं। जो सबसे बारीक साइड हो उसी साइड से इसे ग्रेट करना है। ठंडा होने के बाद ही ग्रेट करना है ताकि ये अच्छी तरीके से ग्रेट हो जाए। आलू को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। यहाँ कढ़ाई में जो मैंने दाल को ड्राई रोस्ट करके रेडी किया था ये भी अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे पीस कर रेडी कर लेते हैं। इसे सूखा ही पीस कर रेडी करना है, इसे पानी नहीं डालना है, इसे ड्राई पीस कर तैयार कर लेते हैं। मैंने इसे हल्का दरदरा पीस कर रेडी किया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बड़ा सा थाली ले लेते हैं, इसके अंदर हम इस पीसे हुए दाल को डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप चावल का आटा। एक कप चना का बेसन, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, 1 टीस्पून अजवाइन, इसको इस तरीके से मसल के डालना है, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट स्वाद के हिसाब से, 1 टेबल स्पून भर के देसी घी डालेंगे। आप देसी घी की जगह पे बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जमा हुआ घी ही डालना है इसमें, मेल्टेड घी को नहीं डालना है। तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। घी या बटर कुछ भी डालें, जमा हुआ डालना है इसे, मेल्ट करके नहीं डालना है। आटा को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ आलू। जो मैंने आलू को ग्रेट उबाल कर ग्रेट करके रेडी किया था उस आलू को हम डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मल पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो लगाकर रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल लेने के बाद हम इस आटे को अच्छी तरीके से चिकना कर लेते हैं।
मैंने इसे तेल के साथ में चिकना कर लिया है अच्छी तरीके से, तो चलिए हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। मुझे इस आटे को लगाने में 2 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज करना पड़ा है। आप देख सकते हैं 1 कप पूरा लग गया था, दूसरा कप जब लिया तो उसमें से इतना लगभग 1/4 कप के जितना बच गया हुआ है, 3/4 कप यूज कर लिया है, तो 1 कप और 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। डो जब तक रेस्ट कर रहा है तब तक हम सेवई मेकर को ग्रीस करके रेडी कर लेते हैं। हम अपनी हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और इस सेवई मेकर को ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। मैंने सेवई मेकर को ग्रीस करके रेडी कर लिया है। यहाँ आटा को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुका है, तो चलिए मैंने अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब हम इस डो का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और सिलेंडर शेप में बना लेंगे और इसे इसके अंदर फिल कर लेंगे। मैंने इसे फिल करके रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे बंद कर देते हैं, क्लोज करते हैं और इसका रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने सेवई मेकर को रेडी कर लिया है, यहाँ तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम सेवई को बनाना शुरू करते हैं। सेवई को कढ़ाई में डालने के बाद हम 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम के ऊपर ऐसे ही सेकने देंगे, इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर सेकने के बाद अब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे दूसरे साइड से भी क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। जब यह दूसरे साइड से भी लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर रेडी हो जाए कुछ इस तरह से, तब हम इसे निकाल लेंगे। जब इसका तेल अच्छी तरीके से झर जाए तब हम इसे एक प्लेट में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये बनकर रेडी हुआ है, तो चलिए इसी तरीके से हम सभी नमकीन को फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। इसे भी मैंने 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लिया है, तब हमने इसे पलट दिया है। पलटने के बाद इसे गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे कुछ आलू नमकीन सेवई को बना कर रेडी कर लिया है, तो चलिए अब हम दूसरे टाइप का नमकीन बनाना शुरू करते हैं। दूसरे टाइप का नमकीन बनाने के लिए हम इस तरह के स्टार वाला सांचा ले लेंगे। इसको भी हम तेल के साथ में ग्रीस कर लेंगे ऑयल लगाकर। ऑयल लगाने के बाद हम इसी मोल्ड के अंदर डालेंगे इसे। डालने के बाद हम फिर से अपने तेल अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इस आटे से लेकर इस मोल्ड के अंदर फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अब हम इसे भी क्लोज करेंगे और इसका नमकीन बनाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसे मैंने रेडी कर लिया है, तेल तो पहले से ही ऑलरेडी गर्म है, तो चलिए अब हम इसे भी बनाना शुरू करते हैं।
सभी चकली को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे भी 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर सेकने के बाद हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे भी हम दूसरे साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लेंगे। जब ये दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे भी निकाल लेंगे। छन्नी में जब इसका तेल अच्छी तरीके से झर जाए तब हम इसे प्लेट में डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए सेवई को भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने सभी आलू के मुरक्कों को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम तीसरे रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा रेसिपी बनाकर रेडी करते हैं। तीसरे रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इस तरह के डिज़ाइन सांचे का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम इसे भी ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने के बाद हम इसी मोल्ड के अंदर डाल देंगे। मोल्ड के अंदर डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो डो बचा हुआ है उसे हम डालेंगे। सबसे पहले हाथों को तेल से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद हम इसे इस तरह के सिलेंडर बनाकर इसे भर देंगे, डाल देंगे इसके अंदर। इस तरह मैंने सारे डो को इसके अंदर स्टफ़ कर दिया है, फिल कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे क्लोज करते हैं। सांचे को रेडी करने के बाद यहाँ तेल पहले से ही ऑलरेडी गरम गरम है। तो चलिए हम इसे रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नमकीन को कढ़ाई में डालने के बाद गैस के फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम के ऊपर इसे 1.5 से 2 मिनट तक कुक करना है। 2 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करने के बाद अब हम इसे भी पलट देंगे और पलटने के बाद हम इसे इसके गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। सेम तरीके से इसे भी फ्राई करके रेडी करना है और लो टू मीडियम फ्लेम करने के बाद इसे दूसरे साइड से भी लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रेडी कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर जब यह दूसरे साइड से भी लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे भी निकाल लेंगे। निकाल कर इसे एक छन्नी में डाल देंगे। छन्नी में डालने के बाद जब इसका भी तेल अच्छी तरीके से झर जाए तब हम इसे भी प्लेट में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए बाकी के बचे हुए नमकीन को भी हम फ्राई कर लेते हैं। सभी नमकीन को फ्राई करने के बाद मैंने इसे सर्व कर दिया है। प्लीज इसे एक बार मेरे तरीके से बना के जरूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए हम तीनों रेसिपी को तोड़कर दिखाते हैं कि ये आखिर आलू से बनी हुई है तो क्रंची बनी है या नहीं, या सौगी बनी हुई है। तो चलिए हम इसे सबसे पहले इस सेवई को तोड़ते हैं।
आप देख सकते हैं। इस सेवई को तोड़ने के बाद अब हम इस मुरक्को को तोड़कर आपको दिखाते हैं कि ये क्रंची बनी है या नहीं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनकर रेडी हुई है। अब हम इस नमकीन को तोड़कर दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से बनकर जालीदार रेडी हुई है। हम इसे भी आपको तोड़कर दिखाते हैं। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से इस आलू के नमकीन की रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। आप इस नमकीन को किसी भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर के रखें और महीनों दिन तक खाएं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जैसे के तैसा रहेगा और खाने में तो पूछिए ही नहीं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। तो चलिए हम इसे डब्बा के अंदर भर के रखते हैं।